किस नारी शक्ति अपने आप में अद्भुत है और इस नारी शक्ति का सम्मान करना, इसको सुदृढ़ करना हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं परचम लहरा रही हैं, शिक्षा हो या खेल का मैदान हो, सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपनी सफलता का झंडा गाड़ रही हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वयं सहायता समूह को 100 करोड़ रुपए महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत चेक वितरण किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लाभार्थियों को चेक एवं पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं को फ्लैट आवंटन पत्र प्रदान किए गए हैं। इस मौके पर महिला निधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है जो ऋण लेने और भुगतान करने में मददगार साबित होगा। पीड़ित महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए 3-1-Stop Center का शुभारंभ हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, कॉलेज, महिला छात्रावास और 3 पुनर्वास गृहों का लोकार्पण किया गया है। इन छात्रावासों का निर्माण कोटा, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में हुआ है। पुनर्वास जोधपुर में और सीकर में बना है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।